कश्मीर के लोग जो अरसा दराज से एक जंग लड़ रहे हैं अपनी आज़ादी की, खुदारा आवाज़ उठाएं कि आज़ादी बड़ी नेमत है। आज मैं उनके साथ खड़ा हूँ, हर इंसान उनके साथ खड़ा है, क्योंकि इंसानियत की तौहीन देखने में आ रही है, इंसानियत पे जुल्म देखने में आ रहा है। ये एक ह्यूमन राइट्स का मसला है। अक़वामे मुत्तहिदा की पास करदा करारदाद के मुताबिक कश्मीरियों को उनका हक मिलना चाहिए था कि वो अपने मुस्तकबिल का फैसला खुद करेंगे, लेकिन भारत अक़वामे मुत्तहिदा की इस करारदाद की मुसलसल खिलाफ वर्जी करते करते आज यहाँ तक पहुँच गया कि आज 80 लाख मुसलमान कश्मीरी या गमाल हैं। अपने कश्मीरी भाइयों की हालत देखकर हर पाकिस्तानी की आंख अश्कबार है। मोदी सरकार और उनकी फौज ने कितने मुसलमान बच्चों को यतीम कर दिया, कितने लोगों के घर जला दिए, मगर दुनिया इस पर क्यों खामोश है? मैं पूरी दुनिया के लोगों से, बिलखसूस भारत के फनकारों से और लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि जो सेंसिटिव लोग हैं बोलें, आवाज उठाएं, ये दुनिया बड़ी आर्जी है। ये तहरीक अब इंशाल्लाह अपने मंतकी अंजाम तक जरूर पहुंचेगी। इंडिया जा कश्मीर से निकल जा। अक्वामे मुत्तहिदा इस पर क्यों नहीं कोई एक्शन ले रहा? अक्वामे मुत्तहिदा ने प्लेबिसाइट का रेजोल्यूशन पास किया था, उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करवाया जा रहा? सब पाकिस्तानी जो है वो एक ही पेज पे हैं कि कश्मीरियों को आज़ादी मिलनी चाहिए। मत डरे, मत खौफजदा, आज़ादी होगी इंशाल्लाह बहुत जल्द कश्मीर के लिए। हम पाकिस्तानी कश्मीरी भाइयों के दुख में बराबर के शरीक हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान।